कहते हैं जो गौ माता की सेवा करते हैं उनको यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सर्वप्रथम गाय और तुलसी की पूजा होनी चाहिए। जितने भी आचार्य हैं सन्मार्ग पर चलने के जो उपाय बताए हैं सभी ने गौ माता को सर्वप्रथम पूज्या कहा। अच्छे करेंगे बच्चों को संपत्ति देकर के जाना है, ये संस्कार देकर के भी जाना है कि सवेरे उठ करके पहले द्वारकाधीश का दर्शन करना, गौ माता की सेवा करना है। ये सब संस्कार हमारे जीवन में स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का पालन बहुत बड़े संकट से हमें मुक्त कर देता है। खूब अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के, देख करके प्रसन्नता हुई। गौ माता के लिए कोई कार्य काम हो तो अपने सब मिलकर के सब लोग करेंगे। यह एक आदमी का काम नहीं है, एक व्यक्ति का काम नहीं है, सबको करना चाहिए। हिंदू गाय ये नहीं देखती है कि इसका दूध कौन पी रहा है, सेवा करने वाला कि बिना सेवा करने वाला, सबको दूध देती, सबके बच्चों को दूध पिलाती है। सभी का कर्तव्य है इनकी सेवा करना। भगवान द्वारकाधीश और चंद्रमौलीश्वर भगवान से प्रार्थना करते हुए गोसंवर्धन में आप सबकी बुद्धि इसी तरह से लगी रहे, अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। द्वारकाधीश भगवान की गौ माता। जय राकेश दर्शक मित्रों, જ્યારે આપણે સનાતન ધર્મમાં કહેવાય છે ગૌ સેવા એ પ્રભુ સેવા, એવી જ ગૌ દ્વારકામાં જ્યારે પ્રથમ ગૌ હોસ્પિટલ તૈયાર થઈ ગઈ છે ત્યારે પરમ પૂજ્ય જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજના આજે પાવન પગલા આ હોસ્પિટલમાં થયા છે। ખાસ મુલાકાતે દ્વારકા રોડ સાથે ગુરુજી છે। ગુરુજી આજ રોજ આપણે પાવન चरण इस गौशाला के પવિત્ર ભૂમિ પર પડે, આપને પૂરા સર્વે કિયા ગયા ગાય પૂજા કી ક્યા કહેંગે? પહેલી વાર દ્વારકા મેં ऐसी व्यवस्था हुई है गौ माता के लिए, मनुष्यों के लिए, रोगियों के लिए, छोटे बड़ों के लिए तो सभी करते हैं। गायों के लिए आईसीयू बनाना और उनके रोग के निदान के लिए इतनी व्यवस्था करना ये सरल नहीं है, बहुत बड़ा काम हुआ है और हमें प्रसन्नता है कि इससे गायों के जो रोग हैं वो दूर होंगे। एक्सीडेंट हो जाते हैं, गायों को छोड़ जाते हैं, रखड़ती हुई गायें परेशान होती हैं, बीमार हो जाती हैं और बीमार हालत में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कम से कम यहाँ आकर के उनको उनके रोग का निदान होगा और बिना शुल्क के, यहाँ 150 गांव हैं, चारों तरफ गांव हैं, तो उन गांवों में जो गायें रहती हैं बीमार पड़ जाती हैं उनके इलाज का उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, प्रशंसनीय। खूब खूब धन्यवाद जी आपका।